स्किंजी बनाने का प्रोसीजर, नींबू का स्किंजी कैसे बनाया जाता है। पहले अपन एक पानी, जितनी आवश्यक मात्रा में जितने लोग हैं उसके हिसाब से पानी ले लेंगे। पानी के बाद में अपने नींबू लेके आए हैं पके हुए, नींबू को इनके अंदर मिला दिया जाएगा और उसके बाद में काला नमक, सेंधा नमक और शक्कर मिला करके इसको मिक्स करके सभी लोगों को किया जाता है। स्किंजी गर्मी के दिनों में काफ़ी राहत देने वाली चीज़ होती है। जिन लोगों को चाय का शौक़ है वो लोग भी कोशिश करें कि अपन स्किंजी की तरफ बढ़ें, क्योंकि चाय से अभी कुछ बीमारियों का भी पता लगा है कि चाय से बीमारियाँ हो सकती है। तो स्किंजी आपको किसी तरह से नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान कर सके। मेन शक्कर है, शक्कर की मात्रा थोड़ा कम कर सकते हो। काला नमक है वो कोई नुकसानकारक है नहीं, सेंधा नमक है वो भी कोई नुकसानकारक है नहीं, नींबू है वो भी कोई नुकसानकारक है नहीं। इसीलिए आप कोशिश करो कि चाय से स्किंजी की तरफ बढ़ें। ये लोग चारभुजा यात्रा जा रहे हैं और ये भी अपनी काफ़ी अच्छा मेहनत करके स्किंजी की तरफ बढ़ रहे हैं चाय से, क्योंकि चाय को ये अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको भी स्किंजी एक अच्छा ठंडक और राहत प्रदान करेगी। इसीलिए अपनों को सबको स्किंजी पीने का कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।